हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। आज हम देखने जा रहे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ हम देखेंगे 15 क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अ पैरासिटिक ग्रीन एल्गे इज, सो इट्स सिफेलियोरस, देन विच टाइप ऑफ सिमेट्री इज फाउंड इन एस्केवरीज। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है बायलेटरल सिमेट्री। देन आता है ओनली वन ओवरी इज प्रेजेंट इन द, सो इट्स इन बर्ड्स। देन टर्नेरिया लार्वा जो है वो पाया जाता है हेमिकॉर्ड्स में। देन ए फंगाई दैट ग्रोज ऑन डंग इज कॉल्ड सो कॉर्फोफिलस। देन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो इसका आंसर है एज़ोबैक्टर। देन इन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स स्पोरोफाइट alternates with gametophytes or vice versa. Which of the following is incorrect for a sporophyte? तो यहाँ हमारी incorrect वाला होगा, it is independent and photosynthetic. जबकि sporophyte dominant होते हैं, diploid होते हैं और हमेशा spores produce करते हैं। Next है the transfusion tissue is present in the leaves of, तो ये both cycas and pinnas, इसका answer आएगा। Then which of the following ferns also shows heterospory apart from Selaginella, तो इसका आंसर है Salvinia. Then है who proposed the term pteridophytum, तो ये दिया था Haeckel ने। Then है which of the following cells in earthworm play a role similar to the leaf or vertebrate, तो इसका हमारा आंसर है Chlorogonian cells. Then a bacterial leaf blight ऑफ रॉयस ये किसके द्वारा होता है, तो ये है ज़ैंथोमोनास ओराइज़े के द्वारा। देन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है बटरफ्लाइज में। एंड वेयर डज सिंगेमी ऑकर्स इन एल्गी, तो एल्गी में सिंगेमी होती है वाटर में। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज, तो ये है हमारा माइक्रोप्लाज्मा। तो आज के लिए ये हमारे 15 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगे होंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।